हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द आराधना मौर्य शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि बातचीत की मेज पर चीन के साथ समाधान नहीं निकला तो सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा ऐसा केवल उस स्थिति में होगा अगर कूटनीतिक स्तर पर जारी वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वास्तविकता नियंत्रण रेखा LAC को लेकर चीन के साथ बातचीत असफल रहती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। पिछले 2 महीने के दौरान भारत और चीन के बीच कई बार कूटनीतिक स्तर पर बात हुई लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं हुए हैं। अप्रैल और मई महीने से ही फिंगर एरिया, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और कुंगरंग समेत कई इलाकों में गतिरोध जारी है। जनरल रावत ने कहा लद्दाख और आसपास के क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण का सामना करने के लिए हमारे पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इस विकल्प पर विचार सिर्फ तब किया जाएगा जब कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर जारी वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि जनरल रावत ने सैन्य विकल्पों पर विस्तार से चर्चा करने से इनकार कर दिया है। अप्रैल और मई से लेकर अब तक भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर कई बार वार्ता हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता हुई थी। इसमें 5 लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता भी शामिल है। चीनी सेना जुलाई के दौरान LAC के आसपास कई क्षेत्रों में दाखिल हो गई थी, जिसके बाद दोनों देशों की सेना के बीच काफी विवाद हुआ। खबरों के मुताबिक चीनी सेना खुद इस वार्ता पर कोई ठोस प्रस्ताव स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। इस पर भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि LAC पर उन्हें किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को फिंगर क्षेत्र छोड़कर पीछे हटना होगा, लेकिन वह क्षेत्र छोड़ने को तैयार नहीं थी। नतीजन सैन्य कमांडर्स ने LAC पर मौजूद कमांडिंग अधिकारियों को किसी भी तरह की हालातों से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने सीमा पर मौजूद जवानों को आधुनिक हथियारों के साथ तैयार रहने के लिए कहा है। 15 जून 2020 को दोनों देशों की सीमाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से सीमा पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं। दोनों देशों की सीमाओं के बीच हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 20 जवान बलिदान हो गए थे, वहीं चीनी सेना के 40 से अधिक जवान मारे गए थे, लेकिन चीन की सरकार इस बात की पुष्टि कभी नहीं की। लेकिन अब समय है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का और सबक सिखाने का। आपके क्या विचार हैं इस बारे?